way. आज का सीरियल किलर्स डॉक्यूमेंट्री का ये एपिसोड एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में है जिसने अपने जराइम को छुपाने के लिए मजहब का सहारा लिया करता था। मजहब चाहे कोई भी हो, हर माशरे का मुकद्दस तरीन पहलू होता है और आजकल अक्सर लोग जब हर जगह से बेबस हो जाते हैं तो मजहब का ही सहारा लेने की कोशिश करते हैं, मगर अपने आप पे नजर डालना भी गवारा नहीं करते कि एक इंसान होने के नाते इंसानियत नाम की भी जिम्मेदारी भी मजहब का ही हिस्सा है। अगर दूसरे अल्फाज में यूं कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, चाहे इंसान का ताल्लुक जिस मजहब से भी हो। ज्यादातर इसे तिजारत के रूप में देखते हैं। इन मंदिरों की लंबी लाइनें या इन मस्जिदों की बड़ी कतारें और लंबे सजदे और मस्जिदों और मंदिरों में गिड़गिड़ाते हजारों लाखों इंसान, सभी को इनके परवरदिगार से किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ चाहिए होता है। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई दूध दिए और सिक्के चढ़ाता है तो कोई चादर फूल और खैरात, और सभी को ये यकीन होता है कि जो मैंने गलती की है इसे वो सुधार देंगे, और इस गलती सुधारने की कहीं से भी महसूस हो तो फिर दूसरी गलती इस यकीन के साथ करते हैं कि पहली गलती जिस तरह माफ करवाई है इसी तरह इस गलती को भी माफ करवा देंगे। आज की कहानी का ये सीरियल किलर को भी कुछ इसी तरह का ही यकीन था। वो बचपन ही से मुख्तलिफ जराइम की सजा काटता रहता था। इस सीरियल किलर के बारे में कहा जाता है कि ये या तो वो जेल में मिलता था या फिर किसी वहशिया के बिस्तर पर। वो जब भी आजाद रहता वो हमेशा मुख्तलिफ कोठों के चक्कर काटता रहता और आखिरकार इन्हीं वहशिया बाजार में से किसी के साथ शादी कर चुका था, जिससे इनकी एक बेटी पैदा हुई। अपने घर में बच्ची की पैदाइश के वक्त भी वो जेल ही में था, और जेल की इन शक्तियों से तंग आकर इन्होंने न सिर्फ अपना नाम बदला बल्कि मजहब भी बदल दिया। इन्हें तमाम लोग तो बियर मैन के नाम से जानते हैं, मगर इनका असल नाम था कंट्रोल, जिसको जेल में बदल कर सीरियल किलर बियर मैन ने अब्दुल रहमान रखा था। सीरियल किलर बियर मैन कंट्रोल या अब्दुल रहीम मुंबई में पैदा हुए और इन्होंने अपनी ज्यादातर जिंदगी मुंबई के फुटपाथों पर ही गुजारी, क्योंकि वो अपने माँ बाप के पाबंदियों से तंग आ चुका था और एक ऐसी जिंदगी गुजारने का ख्वाहिशमंद था जिसमें किसी का कोई रोक टोक न हो। इसलिए इस सीरियल किलर ने अपने घर और फुटपाथ के दरमियान फुटपाथ पर रहना पसंद किया। इनके बारे में मशहूर था कि ये अक्सर आजाद मैदान के थाने के लॉकअप में पाए जाते, क्योंकि ये इस एरिया में हर वो गलत काम करते थे जो इनके लिए मुमकिन हो। ये पहली दफा उस वक्त मीडिया पर मशहूर हुए जब इस शहर में कुछ ही अरसे में कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और हर मरने वाले के पास बियर के कुछ कैंस के अलावा कोई सुराग नहीं मिलता था। पुलिस ने इनको इस सिलसिले में हिरासत में लिया तो मीडिया ने इन्हें सीरियल किलर बियर मैन का नाम दे दिया। ये सीरियल किलर आखिरी हद तक अपने जराइम से इनकार करता रहा और पुलिस को इनका नार्को टेस्ट करवाना पड़ा। पुलिस ने इन्हें तीन मासूम लड़कियों के रेप और कत्ल के शुबे में गिरफ्तार किया था, मगर नार्को टेस्ट के दौरान इस सीरियल किलर ने इन तमाम सीरियल किलिंग का भी खुलासा कर दिया, जिनका कोई सुराग नहीं मिल रहा था सिर्फ और सिर्फ बियर के खाली कैन के अलावा। 2007 में इन्हें सीरियल किलिंग्स के जुर्म में दोषी पाया गया और अदालत ने इन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई। ये सारे कत्ल सीरियल किलर बियर मैन ने 2006 और 7 के दरमियान किए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।